भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने पहले दिग्विजय सिंह को जिन्ना कहा, उन्हें मुस्लिम परस्त कहा, और जब इस बयान के जवाब में दिग्विजय सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के उन नेताओं को नपुंसक कहा जो उनके आतंक परस्त होने के आरोपों के बावजूद उनके विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह ने इस दौरान बोलते बोलते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा को भी नपुंसक कह दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि यदि वे आतंकवादियों की सरपरस्ती करते हैं तो भाजपा की ट्रिपल इंजन की सरकार उन पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। पहले सुनिए दिग्विजय सिंह का ये बयान और इसके बाद आया बीडी शर्मा का जवाब। माननीय बीडी शर्मा, यदि मुझे आतंकवादियों का हिमायती मानते हैं तो उनकी नपुंसकता पर मुझे निराशा होती है। जो व्यक्ति सरकार में ट्रिपल इंजन सरकार केंद्र राज्य नगर पालिका नगर निगम, वो मुझे आतंकवादी का सहयोगी मानता है तो वो नपुंसक है कि नहीं, जो मेरे खिलाफ कार्रवाई नहीं करवा रहा है। दिग्विजय सिंह का ये बयान जब सामने आया तो बीडी शर्मा आग बबूला हो गए। बीडी शर्मा ने कहा कि दिग्विजय सिंह की उम्र बढ़ गई है और वे इस तरह के अनाप शनाप बयान देते रहते हैं। तो दिग्विजय सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं, उम्र भी ज्यादा हो गई है और उम्र ज्यादा हो जाती है तो जितना मैं समझ पाया कि दिग्विजय सिंह जी ने मुझे गाली देने से पहले जो बोला वो महत्वपूर्ण था कि भारतीय जनता पार्टी पंच सरपंच पार्षद मेयर जनपद जिला पंचायत विधानसभा लोकसभा सब में भारतीय जनता पार्टी आ गई है, तो ये उनकी जो मन की पीड़ा है ये उन्हें मुझे लगता है गुस्सा दिलाती है। तो जब उम्र ज्यादा हो जाती है और जब गुस्सा आता है तो फिर हम क्या बोल रहे हैं ये याद नहीं रहता है, हम किस स्थान पर रहे हैं ये याद नहीं रहता है। तो मैंने तो कल उनसे यही अनुरोध किया कि आप मुझे गाली दीजिए, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता, मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद है और भाजपा के कार्यकर्ताओं की ताकत है जिसके बल पर मैं खड़ा होता हूं, और इसीलिए इतना जरूर मैं कहता हूं कि अनुसूचित जाति जनजाति के भाई और बहनों के हक और अधिकार पर दिग्विजय सिंह जी आग डांका डालेंगे तो इसका कड़ा जवाब, और इसलिए मैंने कहा था अगर इस डाका डालने में आपका पौरुषत्व दिखाई देता है तो मैं उन भाई और बहनों के साथ खड़ा हूं और मैं चुनौती भी आपको देता हूं, मैंने कहा था। लेकिन मैं फिर कहता हूं यह उनका रोज का काम है, क्योंकि जब अस्तित्व व्यक्ति खो देता है, जब अप्रासंगिक हो जाते हैं तो कैसे आप लोगों के सामने आना, इसी प्रकार की गाली गलौज पर लोग उतरते हैं और इसलिए आज ही फिर हम चर्चा कर रहे हैं, नहीं तो उनकी चर्चा कैसे होगी। तो ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्यजनक है। कुल मिलाकर बीडी शर्मा और दिग्विजय सिंह के बीच चल रहे बयानों के तीर लंबे चलते दिख रहे हैं। इस मामले में लगातार दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर हमलावर हो रहे हैं और शब्दों की गरिमा लगातार गिर रही है।